अभी आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। अब कुछ विचार, कुछ प्रश्न संगत की तरफ से हैं, वो आप सुने। पंकज कुमार गर्ग हमारे आश्रम के निवासी, मथुरा के रहने वाले, पूछते हैं, गुरु महाराज, माता पिता और सतगुरु, इन सब में माता को बच्ची का प्रथम गुरु माना जाता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग और गुरु के चरणों में मोक्ष मिलता है। आत्मा में प्रकाश को बढ़ाने के लिए हम सतगुरु में कर्तव्य निष्ठा कैसे बढ़ाएं? हर घंटे की आराधना भी हो जाए और रात्रि 2 बजे की आराधना भी हो जाए। मैं स्कूल में शिक्षक हूं, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने अत्यधिक मानसिक कार्य वाले लक्ष्य दिए हैं। अनेक कार्यों में हमें ही अपना विवेक लगाना पड़ता है और हम लोग इसी में लगे हुए हैं, उधेड़ बन में लगे हैं। इस हालत में हम कैसे आत्मा का प्रकाश बढ़ाने के लिए सामंजस्य बनाएं? एक शिक्षक प्रकाश स्तंभ होता है, एक शिक्षक अपने समाज को उच्चता की तरफ ले जाता है। इस समाज में अगर सबसे आदरणीय कोई है तो वो शिक्षक ही होता है। अपने समाज को शिक्षित करके हम उनको वास्तविक जीवन का उपहार भेंट करते हैं। और कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर मुल्क का बादशाह भी बन जाए और उसके सामने जब उसको शिक्षा देने वाला अध्यापक आता है तो अवश्य ही श्रद्धा से उस राजा का मस्तक अपने शिक्षक के आगे झुकता है। तो समझिए उस समय उस शिक्षक को अपना पूरा पारितोषित परिश्रम का फल प्राप्त हो चुका। एक शिक्षक के लिए इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि उसका विद्यार्थी उच्च से उच्च पद पर पदासीन हो गया है, कितनों को ही रोशनी दिखा रहा है। ये देखकर माता पिता और शिक्षक अपनी आत्मा में अति संतुष्टि को अनुभव करते हैं। तो पहली बात यह है, एक शिक्षक हमारे समाज में अति श्रद्धा का पात्र होता है। हर समाज में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, राष्ट्रपति हुए और वो अध्यापक भी थे। इस संसार में सबसे ज्यादा सम्मानित कोई व्यक्ति है तो वो शिक्षक है। उस शिक्षक को पहले अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि उसके भीतर से
ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित हों। अपने भीतर जब प्रकाश हो रहा हो, दीपक जल रहा हो, तब ही असंख्य असंख्य दीपकों को प्रकाशमान किया जा सकता है। तो सबसे उत्तम बात यह है कि आपको एक शिक्षक का दर्जा मिला हुआ है। इस शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने को और ज्यादा प्रकाशित कर सकते हैं, अपने विद्यार्थी में जीवन का उल्लास, उच्च विचारों की रोशनी उनमें भरें, उससे आपकी आत्मा संतुष्ट होगी। दूसरी बात है व्यक्तिगत साधना। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जिस रोजगार को वो करता है, उसको करते हुए वह अपनी व्यक्तिगत साधना को बढ़ा सकता है, यदि उसके प्रति वो सचेत है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी साधना बढ़ाना चाहता है, अपने आत्मा के प्रकाश को बढ़ाना चाहता है, तो सिवा अपने मन के और कोई भी उसके मार्ग का बाधक नहीं। चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे कोई राजा हो। राजाओं को आप देखिए जो ईश्वरनिष्ठ राजा हुए हैं, महलों में रहते हुए भी वो घास फूस के आसन पर शयन करते थे, बैठते थे, राजा रंती देव जैसे महान राजा, जनक महाराज जैसे राजा होते हुए भी वो राज ऋषि थे। उन्होंने अपने और अपने प्रजा के जीवन को उच्चता में पहुंचाया। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति ही हमें आगे बढ़ाती है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी आत्मा में प्रकाश करना चाहता है, उसको जो ऋषियों का जीवन है, ऋषिचर्या है, उसी को धारण करना पड़ता है। आपका रोजगार क्या है, इस बात का अधिक प्रभाव आपकी साधना पर नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है। उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या निश्चित करनी पड़ती है। आप रात में 1:30 बजे उठें, स्नान करें, परम ब्रह्म की आराधना के लिए तैयार हों। ये हमारी इच्छा शक्ति विल पावर पर डिपेंड करता है। जो कर रहे हैं आप देखिए, अपने ही संगत में आप दृष्टि दौड़ाइए। हमारे यहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग, उम्र दराज लोग आधी रात में उठ जाते हैं। आप कहेंगे बूढ़े लोगों को तो नींद नहीं आती होगी, ये कोई बात थोड़ी। ऐसे भी बूढ़े हैं जो बिल्कुल हिल के नहीं देते, न दिन में न रात में। ये हम उदाहरण दे रहे हैं कि वृद्धा अवस्था होने के बाद भी, शरीर में कमजोरी होने के बाद भी, यदि आत्मा में प्रबलता है, मन में पूर्ण निष्ठा
उस परमात्मा के प्रति है। तो नौजवान नवयुवक पड़े सोते रहेंगे और वृद्ध पुरुष अपने कार्य में लग जाएंगे। उम्र का भी साधना से कोई खास वास्ता नहीं, थोड़ा बहुत है। धर्म आचरण मन प्रधान है। कोई ना कोई रोग हर शरीर में निवास करता है, कोई ना कोई बेचैनी हर एक दिमाग में निवास करती है। ये तमाम आसमान फरिश्तों से सिद्धों से भरा पड़ा है, एक इंच जगह खाली नहीं जहां वे ना हो, ना दिखाई दें वो दूसरी बात है, और वो सब अपने परमात्मा की आराधना में हर वक्त लगे हुए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, हमारा मन किस से प्रेरित है, हमने किन लोगों को अपना आदर्श बनाया हुआ है। अरे भाई बस सो जाओ पड़े रहो, अरे क्या जरूरी है, काम करने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ये भी कोई बात है, इनके तो दिमाग खराब है, ये तो लगे रहते हैं अपना, न सोवे न सोवन दे, न खावे न खावन दे। दूसरों को भी ये कहते भैया उपवास रखो, अरे ये खाना पीना किस लिए है बताओ, मुश्किल से इंसान का जीवन मिला, रसगुल्ले मत खाओ, गाजर का हलवा मत खाओ, छोले भटूरे मत खाओ, क्यों ना खाएं, तो लगे रहो खाते रहो। जब हम तपो ध्यान में आएंगे, तपो मार्ग में आएंगे, तो बहुत चीजों को हमें नियंत्रित करना पड़ता है, और जिनकी आत्मा में वो बात होती वो बचपन में ही कर लेते, और जिनमें नहीं होती ना वो बचपन में करें, ना जवानी में करें, ना बुढ़ापे में करें। धर्म आचरण है मन प्रधान। अपने इतिहास को उठा के आप देखें, अपने भारत देश के इतिहास को, जरा जरा से बालकों ने पांच साल की आयु में ध्रुव ने नारायण को तप के द्वारा सामने प्रकट कर लिया। प्रहलाद भी लगभग उतनी उम्र के होंगे, सुखदेव मुनि, कुमार कार्तिकेय, छोटी छोटी आयु में, क्योंकि उनकी आत्मा में वो तत्व दृढ़ था, उसके प्रति वो कटिबद्ध थे, कमर बांध रखी थी। और हमने अपनी कमर खोल रखी है, भैया चलो मौज लो। मौज मौज क्या है? दुनिया की चमक। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बचपन से ही बहुत से बिगड़ जाते हैं और सुधरते नहीं, जैसे लकड़ी टेढ़ी हो गई तो बस फिर वो सीधी होने वाली नहीं, वो टेढ़ी ही रहेगी आखिर तक। और जो सरल हृदय हो गए वे अपने रास्ते को छोड़ने वाले नहीं, उससे पलटने वाले नहीं, मुड़ने वाले नहीं। साधना केवल रात में ही नहीं, दिन में भी, कोई भी वक्त हो, हमें अपने दिल को तैयार करना पड़ता है उसके लिए। आप देखो मुसलमानों में पांच वक्त की नमाज, सब तो नहीं पढ़ते लेकिन कुछ लोग तो हैं, वो पाबंद हैं। और पांच में भी एक छठी होती है तहज्जुद, रात में 3 बजे के करीब। और हमारे यहां दरबार फुलसंदा में हर घंटे पर सिलेबस है, हर घंटे का जितना जो कर सकता है उतना करे,
आराधना। तो ये रात के 1:30 बजे से शुरू हो जाता है हमारा जो साधना का क्रम है, और फिर हर घंटे पर पूरा चक्र है 24 घंटे का, और इससे ज्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। जो करना चाहते हैं उनके लिए पूरा रास्ता खुला पड़ा है, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए भी खुला पड़ा है, मत करो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हीरे रतन मणियों जैसा ये जीवन जो हमें मिला है, इसका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? अपने बचपन का उपयोग, अपने युवावस्था का उपयोग, अपनी वृद्धावस्था का उपयोग। बहुत से वृद्ध भी ऐसे हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल है, घुटने कांप रहे हैं, और सोचते हैं कोई हमारी शादी करवा दो इस उम्र में। ऐसे भी, और कोई ऐसे होते हैं बचपन में ही निश्चय कर लेते हैं बस एक ही रास्ता है, दुनिया के जंजाल में पड़ना ही नहीं। कुमार कार्तिकेय शिवपुत्र युवावस्था में जैसे प्रविष्ट हुए, उनके पिता ने कहा, महादेव ने, अब विवाह का समय है, शादी कर लो। बोले, नहीं, आपने ही मुझको वेद उपनिषद ब्रह्म विद्या ईश्वर विद्या साधना आराधना उपासना का ज्ञान दिया है, मुझको आप इस भयंकर विष भरे संसार में सागर में धक्का ना दें। उन्होंने ईश्वर के मार्ग को अपनाया, और बातें बनाने वाले दुनिया में बहुत हैं, कहते हैं उन्होंने दो दो शादी की। बताओ, बेकार की बातें उड़ाते हैं। दक्षिण भारत में जाके देख लो, दो पत्नियां बना रखी। जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन थी छठ, तो कह दिया एक पत्नी तो है छठ। जब वो देवताओं के सेनापति बने तो देव सेना के स्वामी बने, तो कह दिया दूसरी पत्नी है देवसेना, कर लो क्या करो। एक जन्म तिथि को कह दिया ये छठ मैया है, एक को कह दिया ये देवसेना मैया है, दो मैया सन्यासी के पास में बैठा दी। जैसे आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में राधा, जहां तहां आप देखेंगे चित्रों में मूर्तियों में कृष्ण जी के गले में हाथ डाले खड़ी। क्या मतलब है राधा से कृष्ण महाराज का क्या मतलब? एक योगेश्वर को जिन्होंने 13 वर्ष तक कठोर तप किया, मौन रहे, ऋषि चर्या का पालन किया कठोरता से, एक फालतू स्त्री को उनके गले में हाथ डाल के खड़ा कर दिया। राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे, कर रहे अपना लकीरें पीट रहे, और कह दो तो लड़ाई तुरंत तैयार। आप तो बड़ी आलोचना करते हो। हम तो ये कहते हैं कृष्ण महाराज के चरित्र को कितना गंदा कितना खराब इन लोगों ने कर डाला। इससे ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ जितना कृष्ण महाराज के साथ हुआ। वो संसार में नहीं है, लेकिन उनका क्या हवाई जहाज लोगों ने बनाया आप देख लो। कार्तिक स्वामी का दो दो पत्नी बैठा दी, बिचारों की राशि भी दोनों की एक एक, कैसे कृष्ण और कैसे कार्तिक, क्या करें। खैर, हम अपने मूल विषय पे आते हैं, साधना। जो साधना के महत्व को समझते हैं तो वो तो उस पे अटल रहते हैं, और करने से ही सब कुछ मिलता है। परिश्रम करने से, चाहे कोई किसान अपने खेत में परिश्रम करे, चाहे विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई में परिश्रम करे, और चाहे कोई साधु
अपने सन्यास मार्ग में साधना में परिश्रम करे, या साधु तो छोड़ो सन्यासी ये तो अलग की बात है, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कपड़ा बुनने वाला जुलाहा कबीर बन जाता है। कैसे? साधना करके, अपने हृदय को घिस घिस के, घिस घिस के मैंने दिल को आईना बनाया। एक दिन आईने में मुंह देखने वो दो जहान वाला आया। इस अपनी आत्मा को जिसने शीशे की तरह चमका लिया, वो ही साधक है, वो ही सिद्ध है, वो ही साधु है, चाहे वो ग्रस्त हो या विरक्त हो। और दूसरी बात, माता पिता और गुरु, इनके विषय में कई दिन से चर्चा चल रही है, किसका दर्जा ऊंचा है, कढ़ी श्रेष्ठ है या चावल श्रेष्ठ है। चावल चावल रख दो और कुछ नहीं तो वे बेकार है, कढ़ी कढ़ी रख दो, लो भाई खाओ, न रोटी न चावल तो वो बेकार। किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, सबका अपना अपना महत्व होता है, माता पिता गुरु। प्रथम दर्जा हमारे यहां माता को दिया जाता है। माता हमको अपने उदर में रखती है, अपने ही भीतर से अपना एक टुकड़ा निकाल के बाहर रखती है संसार में, जिसको नाम दिया जाता है ये मनुष्य। पिता उसका पालन पोषण करने में अपनी पूर्ण शक्ति लगा देता है, दूसरा देवता पिता है। बच्चा पैदा हो गया और पिता उसको उठा के फेंक दे कहीं दूर ले जाके, कुत्ते खा जाएंगे, बेकार। उसका पालन पोषण, उसकी सुरक्षा, उसको सामाजिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, बहुत सारी बातें पिता प्रदान करता है। जो देता है उस देने वाले को ही देवता कहा जाता है। फिर हमारे अध्यापक होते हैं, आचार्य होते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के हमारा वो लिखवाते हैं, कैसे कबूतर, कैसे गधा, जैसे यज्ञ, लिखना पढ़ना ये सिखाते हैं। इन सबके हम ऋणी हैं। और जो ईश्वर की तरफ को हमारी आत्मा को ले जाते हैं वे हैं सतगुरु, सत्य की तरफ जो हमें ले जा रहे हैं। अस्तो मां सदगमय, असत्य से निकाल के जो सत्य की तरफ ले जा रहे हैं वे गुरु। गुरु शब्द का ही अर्थ क्या है? अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जाने वाला। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से, अज्ञान से, बुराइयों से, दुर्गति से, निम्नता से उठाकर जो हमें उच्चता में ले जा रहे हैं, प्रकाश में ले जा रहे हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय, ये तीन बातें सतगुरु पर लागू होती हैं। वो हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, और नाशवान इस जगत, मृत्यु जन्म मरण के इस महाभयंकर चक्र से निकालकर उस अविनाशी अजर अमर परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। तो जो ब्रह्म मार्ग में हमें ले जाते हैं उस गुरु को सतगुरु, ईश्वर रूप कहा गया है।
ब्रह्म रूप कहा गया है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ईश्वर की तरह उस व्यक्ति का हमें आदर और सम्मान और उसमें हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गुरु के वचनों को ब्रह्म वचन, ईश्वर के वचन समझ के हमें उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए तो हमारे जीवन का अवश्य उद्धार हो जाता है। अब एक और बात आती है, मनु महाराज अपने महान विचारों में, अपनी कृतियों में जो उन्होंने ज्ञान उपलब्ध किया है उसमें कहते हैं, माता पिता और गुरु ये तीनों एक जगह बैठे हों तो सबसे पहले व्यक्ति को अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए, उसके पश्चात पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, फिर गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यहां माता को श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है और वो है भी मां के कदमों के नीचे स्वर्ग है, पिता के चरणों के नीचे विजय है, विजय श्री। जो पिता का अनुसरण करता है वो व्यक्ति जहां भी जाता है विजयी होता है, और जो गुरु का अनुसरण करता है वह परम ब्रह्म रूप को प्राप्त होता है, स्वयं ही अपने भीतर उस ब्रह्म सत्ता को जागृत कर लेता है, मनुष्य से देवता और देवता से परम ब्रह्म रूप हो जाता है। तद ब्रह्माहम न संशयः, ऐसा वो बन जाता है। तो आप स्कूल में रहें, हमें उन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए जो शिक्षा लेने योग्य हैं। जो लोग पांच वक्त की नमाज के पाबंद है वो चाहे टीचर हो चाहे ऑफिस में हो, सब काम छोड़ देंगे, सब हमारी नमाज का वक्त है, कोई रोक सकता है उनको? और एक ऐसे हैं जो 20 दफा कहने पर भी पूजा ना करें, ध्यान ना करें, साधना ना करें, केवल बात ही बनाने में लगे रहें, उनको कौन धक्के मार मार के आगे बढ़ाएगा? अपना मन ही जब बुझा पड़ा, ये सब कुछ अपने से निर्भर करता है हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। आप किसी भी कारोबार में हैं, हमने सुना है एक किसान, उसने अपने खेत के चारों तरफ चार घड़े रखे हुए थे और खेत जोत रहा है और जोतते जोतते एकदम से अजान हुई तो जिधर करीब होता था घड़ा, जिस दिशा में होता तुरंत भाग के वहीं खड़ा किया हल और पानी से हाथ पैर धुले और परमेश्वर की उपासना में नमाज में लग गए। ऐसे ऐसे लोग भी, और ऐसे भी हैं, उनको कहो भाई कभी परमात्मा का नाम भी ले लिया करो, अजी गुरु महाराज अभी कौन सी उम्र जा रही हमारी, अभी क्या उम्र है, देखो अभी तो दो ही बालक हुए हैं भैया, 20 तुम्हारे होने के ना है और आगे को तुम कुछ करने के ना। ये सब अपने आत्मा पे निर्भर करता है। तो वो पूछते हैं हमारे गर्ग कैसे अपनी साधना को बढ़ाएं, अपनी विल पावर को बढ़ाएं, पहले अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करें, तब ही आप अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।